जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपको आपका प्यार दें, आपका परिवार दें, आपके जीवन में आपको ढेर सारी खुशियाँ दें। आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ें, ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आज का जो टॉपिक है एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। टॉपिक ये है कि आपको आपका सच्चा प्यार कब मिलेगा। कुछ लोग हैं जो ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो सिर्फ उन्हें यूज़ कर रहे हैं। वो सोचते तो हमेशा ऐसा ही है कि उन्हें सच्चा प्यार मिल गया, उन्हें सच्चा प्यार मिल गया, लेकिन 4 दिन बाद उन्हें ऐसा लगता है कि फिर से कोई कार्मिक टक्कर आ गया, फिर से ज़िंदगी में वही दुख दर्द का तूफान आ गया। तो काफ़ी लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि आखिर कब उन्हें उनकी लाइफ में उनका ट्रू लव मिलेगा जो उनके लिए बना है, वो कब आएगा उनकी ज़िंदगी में, कब। तो देखिए, हमने यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए हैं, आप एक ऑप्शन चूज़ करिए जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो। आज आपको किसी के बारे में सोच कर पायल नहीं चूज़ करना है, आज आपको सिर्फ अपने बारे में सोच कर पायल चूज़ करना है। सिर्फ अपने बारे में सोच कर एक पायल चूज़ करिए, फिर आप देखिए कि आखिर आपको आपका जीवन साथी, आपका ट्रू लव, आपका सच्चा प्यार कब मिलेगा। ओके, आई होप आपने एक पायल चूज कर लिया होगा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि आखिर आपको आपका ट्रू लव, आपका सच्चा प्यार कब मिलेगा। जो इंसान आपकी किस्मत में लिखा है, आपके भाग्य में लिखा है, आखिर उससे आपकी मुलाकात कब होगी? तो डियर पायल नंबर 1, आपकी उनसे मुलाकात हो चुकी है। जी हाँ, वो आपको मिल चुके हैं, लेकिन फैमिली इशू है, रिलीजन इशू भी है, इंटरकास्ट इशू भी है और लॉन्ग डिस्टेंस इशू भी है, थोड़ा सा फिनेंशियल इशू भी है। इस वजह से मामला खराब चल रहा है। मतलब कि आप दोनों एक होना चाहते हैं, आप दोनों अनंत जन्मों के लिए एक दूसरे के होकर जीना चाहते हैं। आप उनसे मिल चुके हैं और वो पता है आपको बहुत प्यार भी करते हैं, आपको दिन रात मैनिफेस्ट भी करते हैं, दिन रात ईश्वर से प्रे करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि आपकी तरफ से फैमिली इशू है या फिर उनकी तरफ से फैमिली इशू है ना। जो रिश्ता है ना, बहुत अनकंडीशनल है। आप दोनों ना काफ़ी मिच्योर हैं, आप दोनों एक दूसरे पर अपनी मन मर्जी, अपनी इच्छाएं नहीं थोपते हैं कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। आप दोनों एक दूसरे की फ्रीडम नहीं छीनते हैं। आप दोनों का जो प्यार है ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, मिच्योरिटी है, एक दूसरे के लिए समझ है। आप समझते हैं कि उसे क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है। कभी कभी पता है कुछ चीज़ें हमें पसंद नहीं होती हैं, लेकिन हमारे प्यार को पसंद होती हैं और हमें अपने प्यार की पसंद के लिए वो करना पड़ता है। तो जो एक दूसरे को समझने की जो समझ है ना आपके अंदर, आप दोनों के ही अंदर, वो बहुत अच्छी है और इसी वजह से ये रिश्ता बहुत आगे तक जा सकता है अगर फैमिली एक्सेप्ट कर ले तो। अभी क्या बताएं, हमें तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो शायद सेपरेट हैं। हाँ, कुछ लोगों के दरमियान बातचीत नहीं हो रही है। इधर हमें ना एक फीमेल इशू बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। फीमेल इशू आपकी तरफ से हो या फिर उनकी तरफ से हो, मदर प्रॉब्लम हो, उनकी मॉम कोई रिश्ता एक्सेप्ट ना हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो, या फिर उनकी कोई सिस्टर हो, कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो बहुत रूड है, बहुत प्रैक्टिकल है और वो इंडिपेंडेंट है अपनी लाइफ में, लेकिन वो इस रिश्ते को ना किसी दूसरे नज़रिए से देख रही हैं। आप दोनों का जो रिश्ता है उसमें थोड़ा सा फिनेंशियल इशू है, इस वजह से वो इस रिश्ते को इस तरह से नहीं देख रही हैं कि इसमें बहुत प्यार है, हमारे बच्चे खुश रहेंगे, वो इस तरह से नहीं देख रहे हैं। वो शायद समाज के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, रिलीजन इशू, इंटरकास्ट इशू उन्हें बार बार ध्यान आ रहा है। तो वो यहाँ पर इस रिश्ते को प्यार के नज़रिए से नहीं देख रहे हैं, समाज के नज़रिए से देख रहे हैं और इसी वजह से वो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहे हैं। अब ये आप हमें बताएंगे कि आपकी तरफ से फैमिली इशू है या फिर उनकी तरफ से फैमिली इशू है।
आप में से कोई एक बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है इस रिश्ते को लेकर कि क्या करें क्या करें, प्यार को चुने या फिर परिवार को चुने, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों के लिए ही ये धड़कनें धड़कती हैं, दोनों से ही जिंदगी चलती है। ऐसा नहीं है कि कोई कंपैरिजन है, ऐसा नहीं है कि उनको छोड़ सकते हैं फिर इनको छोड़ सकते हैं, दोनों ही अपने आप में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं आपके लिए या फिर आपके पार्टनर के लिए। लेकिन इसी वजह से द्वंद्व की स्थिति है, चाहे आपके अंदर हो या फिर आपके पार्टनर के अंदर हो। फैमिली को लेकर आप अपने सच्चे प्यार से मिल चुके हैं, मिल चुके हैं, डेफिनेटली मिल चुके हैं। उनका नेचर पता है कैसा है, बहुत पॉजिटिव टाइप के हैं, काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी समझदारी। रिश्तों में किस तरह से चलना है, रिश्तों में किस तरह से एक बैलेंस क्रिएट करना है, उन्हें बहुत अच्छे से आता है। एक कंडीशन हमें इधर और नज़र आ रही है, कुछ लोगों के लिए हमें ऐसा लगता है कि आप अपने सच्चे प्यार से मिल तो चुके हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन कमिटमेंट ना देने की वजह से ना हाँ ना ना, मतलब कि कोई प्रतिक्रिया दे ही नहीं रहे हैं। एक होता है इंसान बता देता है कि अच्छा ठीक है, सब क्लियर है भाई, हम नहीं बढ़ सकते। एक ये होता है कि वेट करो हम बढ़ेंगे, पर ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं और इसी वजह से शायद आपने मूव ऑन कर लिया है। तो अभी इनकी स्थिति बहुत ख़राब है, हालत बहुत ख़राब है, क्योंकि हमने बताया ना कि सोच रहे हैं कि किसे चूज़ करूँ, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं आपको खो ना दें, कहीं आपको खो ना दें। मतलब यहाँ पे ना समाज, दुनिया, फैमिली, ये सब लोग कहीं ना कहीं दीवार बने हुए हैं आप दोनों के दरमियान। इनका जो नेचर है बहुत अच्छा है, समझ रहे हैं, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है इनके अंदर, दुनियादारी की समझ है, बचकानापन नहीं है, आपको कैसे मनाना है बहुत अच्छे से पता है, एक स्ट्रेंथ है इनके अंदर थोड़ी सी, समझ रहे हैं। हम उनके लिए बोल रहे हैं जिनके दरमियान फैमिली इशू है तो सही, लेकिन वो सिर्फ अपने फैमिली की परवाह करते हैं, समाज की नहीं। उन्हें लगता है कि बस एक बार उनकी फैमिली हाँ कर दे, वो आपके लिए किसी भी हद तक चले जाएंगे, किसी भी हद तक गुजर जाएंगे, बस वो फैमिली का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर हमें ये नज़र आ रहा है, सिर्फ उन्हें लग रहा है कि बस उनके लिए जो भी है ना उनकी फैमिली है, बस एक बार उनकी फैमिली हाँ बोल दे, बस वो किसी के सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन आप में से ही कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जिन्हें सबकी परवाह है, समाज की भी, रिश्तेदारों की भी, सोसाइटी, अगल बगल के लोग, बहुत सारे लोग क्या कहेंगे क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वही रोग है जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा है। आप में से कोई एक मैनिफेस्ट भी कर रहा है, हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इन्हें, हो सकता है कि आप ही इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो हम एक बात बता देते हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर बहुत अच्छा है, सो डोंट वरी, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। देखिए रिश्तों में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। अगर सच्चा प्यार इतनी आसानी से मिल जाता ना, तो फिर उसके लोगों को कदर ही कहाँ होती है। जो चीज़ें हमें मुफ्त में मिल जाती हैं उनकी कहाँ कद्र करते हैं, है ना। जो चीज़ें इजीली मिल जाती हैं, लेकिन जिस चीज़ को पाने में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी शिद्दत से, बड़ी मुद्दत से मिलता है, हम उसे पूरा जीवन संभाल कर रखते हैं। ऐसा ही आप दोनों का रिश्ता है, बहुत प्यार है, लेकिन आसानी से दुनिया आप लोगों को एक होने नहीं देगी, ये समझ लीजिए। एक होंगे लेकिन आसानी से एक नहीं होंगे, काफ़ी पापड़ बेलने पड़ेंगे आप दोनों को। आप दोनों की जो एनर्जी है उस हिसाब से एक प्यारा सा सॉन्ग सुनाते हैं, चलिए आप आंखें बंद करिए। जीने भी दे दुनिया हमें, इल्जाम ना लगा, जीने भी दे दुनिया हमें, इल्जाम ना लगा, एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता, वरना कोई कैसे भला चाहे किसी को बेपनाह, ऐ जिंदगी तू ही बता
इश्क है गुनाह, जीने भी दे दुनिया हमें इल्जाम ना लगा। खुद से ही करके गुफ्तगू, कोई कैसे जिए। खुद से ही करके गुफ्तगू, कोई कैसे जिए। इश्क तो लाजमी सा है जिंदगी के लिए, दिल क्या करे दिल को अगर अच्छा लगे कोई। झूठा सही दिल को मगर सच्चा लगे कोई। जीने भी दे दुनिया हमें इल्जाम ना लगा। एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता। समझे, ये फीलिंग्स हैं इनकी, ये एनर्जी है इनकी कि जीने भी दे दुनिया हमें इल्ज़ाम ना लगा। एक बार तो करते हैं सब कोई हंसी खता, वरना कोई कैसे भला चाहे किसी को बेपनाह। ऐ जिंदगी तू ही बता क्यों इश्क है गुनाह। यहाँ आपके प्यार को ना एक गुनाह की तरह देखा जा रहा है, लेकिन प्रेम तो परमात्मा का स्वरूप है और प्रेम से कभी कोई बच नहीं सकता। एक ना एक बार तो इंसान को सच्चा प्यार होता ही है, और फिर ये तो आपके अनंत जन्मों के साथ ही हैं। ये तो वो है जो अनंत जन्मों से आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं, आपके भाग्य में लिखे हुए हैं। सारे लोग जो भी हैं अभी कितना भी इंटरफेयर करने की कोशिश करें, लेकिन आप दोनों को तो एक होना ही है। इधर हम स्ट्रांग साइन की बात करें, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस, समझ रहे हैं, कर्क वृश्चिक मीन राशि बहुत ज़्यादा है। उसके बाद है कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ राशि। उसके बाद है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या मकर राशि। ये आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। एरीस लियो सजिटेरियस, मतलब कि मेष सिंह धनु राशि, बहुत कम है। समझ रहे हैं, तो डियर आई होप आप समझ रहे होंगे, आप अपने सच्चे प्यार से मिल चुके हैं, समझ रहे हैं, और आप उनके होंगे भी, लेकिन अभी कुछ इश्यूज चल रहे हैं आप दोनों के दरमियान, जिसकी वजह से आप दोनों ही ऐसा फील कर रहे हैं जैसे कि जीते जी सब खत्म हो गया है, जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी तो हीरो हीरोइन का एक होना लिखा हुआ है, और जब तक हीरो हीरोइन एक नहीं होंगे तब तक विलन की छुट्टी नहीं होगी। आराम से विलन की छुट्टी हो जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, आप दोनों जरूर एक होंगे, ये कोई भी हो। हम ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे कि ईश्वर आप दोनों का प्रेम अनंत जन्मों तक यूं ही लेकर जाएं, और आप दोनों अनंत जन्मों तक एक दूसरे के लिए दूसरे के ही बनकर रहें। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको ज़्यादा लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार है, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। आई होप आपकी फैमिली के सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आप जानना चाहते हैं कि आप अपने सच्चे प्यार से कब मिलेंगे, आपका सच्चा प्यार आपको कब मिलेगा। होता है ना सच्चे प्यार की तलाश में, कैसे कैसे लोगों से मिलना हो जाता है, टॉक्सिक लोगों से, नेगेटिव लोगों से, जो
निम्न लेवल की आत्माएं होती हैं, गिरे हुए स्तर की आत्माएं होती हैं। कभी-कभी हम प्यार की तलाश में कितना भटकते हैं ना। तो इधर पता है हम ये सब क्यों बता रहे हैं? क्योंकि बाबू आप लोग तो ट्विन सोल जर्नी वाले हैं। हमें पता है बहुत कुछ बताना है आप लोगों को ट्विन सोल जर्नी के बारे में, बहुत कुछ, बहुत सारी बातें करनी है ट्विन सोल जर्नी को लेकर। क्योंकि यहाँ पर काफी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, ट्विन सोल जर्नी क्या है क्या है क्या है। दरअसल वो जैसा समझते हैं ना ट्विन सोल जर्नी को, वैसा वो है नहीं, बहुत डिफरेंट टाइप की चीज है। तो इधर पता है अब आपका सच्चा प्यार तो आपका ट्विन है, जो आपका ही एक काउंटर पार्ट है, जो आपकी ही आत्मा का एक हिस्सा है। अब वो मेल बॉडी में हो फीमेल बॉडी में हो डजेंट मैटर, पर आपका सच्चा प्यार तो वही है। अगर आप उसके साथ जिंदगी जीना चाहते हैं तो आप तो उससे मिल चुके हैं। वो कब मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा ये मत पूछिए, आप उससे मिल चुके हैं। लेकिन सेपरेशन की स्थिति है उसकी वजह से। होता है ना कि एक आदमी ऐसा होता है कि सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं करता, प्रॉब्लम्स में ही उलझ कर रह जाता है। जैसे होता है कि किसी को बहुत समय तक जंजीरों से बांध कर रखा जाए ना, तो वो ये भूल ही जाता है कि उसमें कितना बल है। लाइक एक हाथी को बहुत समय तक बांध के रखा जाए, बहुत समय तक, तो फिर वो भूल ही जाता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इन छोटी मोटी जंजीरों को तोड़ सकता हूँ, उन छोटी मोटी रस्सियों को तोड़ सकता हूँ। फिर वो समझ लेता है कि मैं तो रस्सी से बंधा हुआ हूँ, मैं कहीं जा ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं उसे गुलामी की आदत पड़ जाती है। कुछ ऐसा है इधर भी है। ये जो पर्सन है ना, इन्हें किसने गुलामी की आदत डाल रखी है हमें नहीं पता, इनकी फैमिली वालों ने किसने, पर ये जैसा फील करते हैं ना कि ये बहुत बंधे हुए हैं, लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, इनके सपोर्ट में कोई नहीं है, इनका साथ कोई नहीं देगा, और ये बहुत अकेले हैं, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ इम्बैलेंस है। समझ रहे हैं, फैमिली इशू है, दुनिया भर की चीज़ें। अगर ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये खुद नहीं चाहते हैं ऐसा समझ लीजिए। या फिर ये समझ लीजिए कि इनकी जो एनर्जी है, इनका जो दिमाग है ना, वो कहीं ना कहीं सोया हुआ है, इनका दिमाग काम ही नहीं करता, थोड़े इमेच्योर है ना इस वजह से। आप देखिए ये अभी निम्न लेवल में है, निम्न लेवल मतलब लो लेवल में है अभी ये। आप उच्च लेवल पर पहुंच चुके हैं, अब ये आपका कर्तव्य है कि आप इनका साथ ना छोड़े, आपका कर्तव्य है कि आप इन्हें भी अपने साथ साथ स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाएं, इनकी ग्रोथ कराएं। वरना पता है क्या होगा, आप अगर अपने हायर लेवल से कनेक्ट भी हो जाते हैं और आप मोक्ष की प्राप्ति भी कर लेते हैं, तो भी आप कभी अपने आप में पूर्ण नहीं होंगे जब तक ये आपके लेवल पर नहीं आ जाएंगे। क्योंकि आप दोनों मिलकर ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हो सोल लेवल पर। फिजिकल लेवल की बात नहीं कर रहे हैं हम, फिजिकल लेवल की कभी बात ही नहीं करते। और जो हमारा प्यार होता है ना, हम जब भी जिस प्यार की बात करते हैं वो सिर्फ सोल लेवल का होता है, आत्मिक लेवल पर होता है। समझ रहे हैं? तो आप इन्हें कभी छोड़ना मत, क्योंकि पता है अभी आप दोनों के दरमियान काफी नेगेटिविटी हमें नजर आ रही है। ये वो ट्विन सोल जर्नी वाले नहीं हैं जो एक दूसरे को ग्रोथ करने में मदद कर रहे हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं अपनी सोल जर्नी को समझने लगे हैं, ये उनकी बात नहीं कर रहे हैं। हर इंसान ट्विन सोल जर्नी में होता है, लेकिन वो कब अपने ट्विन से मिलेगा ये ईश्वर तय करते हैं। समझ रहे हैं? ये आपके कर्मों के हिसाब से होता है। ये समझ लीजिए कि जब हमने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं और हम निम्न लेवल पर नहीं होते हैं, हमारे जो चेतना का स्तर होता है वो लो लेवल पर नहीं होता, हाई लेवल पर होता है, ये समझ लीजिए कि मीडियम लेवल पर होता है, तब हमें हमारे ट्विन से मिलाया जाता है तब। लेकिन ये कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप तो बहुत ज्यादा हाई लेवल पर पहुंच गए, लेकिन अभी आपका ट्विन आज भी निम्न लेवल की ऊर्जाओं में जी रहा है, निम्न लेवल की एनर्जी में जी रहा है। वो अभी भी नहीं जानता कि उसका सोल पर्पस क्या है। हर आत्मा का, हर इंसान का अपना एक काउंटर पार्ट है, और वो पूरा जीवन उसकी ही तलाश करता है। कोई भी स्त्री कभी किसी पुरुष से तृप्त नहीं होती, कोई भी पुरुष कभी किसी स्त्री से तृप्त नहीं होता। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो हमेशा उसके अंदर का जो खालीपन है ना, वो उसका काउंटर पार्ट ही पूरा कर सकता है, वो कोई और नहीं कर सकता।
समझ रहे हैं, हमेशा मन में एक तलाश बनी रहती है कि हमने जैसा सोचा था ये वैसा निकला नहीं, हो चलो किसी और को देखते हैं, ढूंढते हैं किसी और को। फिर हम पूरा जीवन अनंत जन्मों तक अपने ट्विन को ही ढूंढते रहते हैं, जो कि हमारा काउंटर पार्ट होता है, जिसके मिलने से हमें लगता है कि हम अंदर से कंप्लीट हो रहे हैं, समझ रहे हैं। और उसकी तलाश में कितने लोगों के साथ हम अपने कार्मिक बर्डन बना लेते हैं, उसको ढूंढते ढूंढते कितने कार्मिक लोगों से मिलना हो जाता है, कभी सोलमेट कभी कार्मिक, कभी सोलमेट कभी कार्मिक। ट्विन तो बड़ी मुद्दतों से बड़ी शिद्दतों से मिलता है, भले ही वो निम्न लेवल की एनर्जी में हो, लेकिन जब भी वो आपके सामने आएगा ना, ऐसा लगता है कि आप कंप्लीट हो गए। फिजिकल लेवल पर नहीं, जरूरी नहीं कि आपके उसके रिश्ते बने तभी आप कंप्लीशन फील करेंगे, नहीं, वो सिर्फ आपको देख ले एक बार तभी आपको लगता है कि आप आसमान में उड़ने लगे। ये कुछ स्पेशल तरीके का, एक तरीके का क्या बताएं, ये कैसा अनुभव है जो हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। तो इधर भी रिश्ता कुछ ऐसा ही है, आप जो है ना वो ट्विन सोल जर्नी में हैं, और ये आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड है। आप अपने सच्चे प्यार से मिल चुके हैं, कब मिलेंगे ये मत पूछिए, मिल चुके हैं, लेकिन अलग भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो हायर लेवल पर हैं लेकिन वो निम्न लेवल पर है, वो लो लेवल की एनर्जी में है वो, और इसी वजह से वो अपनी लाइफ में कोई डिसीजन नहीं ले पाते, एक्शन नहीं ले पाते, हमेशा स्टक फील करते हैं, बंधा हुआ, रुका हुआ, बस थोड़ा बहुत ईगो प्रॉब्लम होती है उनके अंदर, काफी नेगेटिविटी से भी प्रभावित हो जाते हैं। मान लीजिए अगर किसी का घर बहुत ज्यादा सेफ्टी से सिक्योर तरीके से बना हुआ है, यहाँ पर चोर और के जाने की कोई जगह नहीं है, तो बिल्कुल निश्चिंत होकर सोता है कि मेरा घर चारों तरफ से खुला थोड़ी ना है, दरवाजे खिड़की खुले थोड़ी ना है कि चोर कहीं से भी घुस जाएगा और चोरी कर लेगा, हमें मार भी सकता है। वो बिल्कुल बिना टेंशन के आराम से सोता है। जिसका घर चारों तरफ से खुला हुआ है, उसे हमेशा डर बना रहता है कि कुछ भी आ सकता है। ऐसा ही जो आपकी एनर्जी है ना, बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रांग है, आपका ऑरा इतना स्ट्रांग हो चुका है कि कोई भी चोर मतलब कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऑरा के अंदर एंटर नहीं कर पाती। कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब हो जाती है। पर इनका जो घर है ना, वो चारों तरफ से खुला हुआ है, कि इनका ऑरा जगह जगह से टूटा हुआ है, नेगेटिव है, तो इतना वीक है इनका ऑरा कि कोई भी नेगेटिविटी एंटर कर जाती है और इन्हें परेशान करने लगती है। तो पल पल में इनका सडनली मूड चेंज हो जाता है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, एनर्जी स्टेबल ही नहीं है क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर ईश्वर आप लोगों को कहना चाहते हैं कि जब तक आप दोनों अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे, जब तक एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों का मिलन नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हैं। ये इस एनर्जी से निकलेंगे नहीं है। अभी पता है जैसे कि आप दोनों दूर हैं, आपका जो इंतजार है वो हमें नजर आ रहा है, आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आप ईश्वर से डेली प्रार्थना करते हैं, आप कहीं ना कहीं अपने हिसाब से मेडिटेशन वगैरह करते भी होंगे, हो सकता है एनर्जी को बैलेंस करने के लिए, पर ये कुछ नहीं कर रहे हैं और दूर है, प्यार बहुत है, सोल लेवल पर अट्रैक्शन है, सोल लेवल पर खिंचाव है बहुत ज्यादा। तो हमें एक सॉन्ग याद आ गया, चलिए सुनाते हैं आपको। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। ये आपकी भी फीलिंग्स हैं, इनकी भी फीलिंग्स हैं, लेकिन जब तक इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आएगी, जब तक ये अपनी सोल जर्नी को नहीं समझेंगे, जब तक ये मेडिटेशन नहीं करेंगे, इनकी लाइफ से नेगेटिव लोग जाएंगे नहीं और ये अपनी लाइफ में कभी कुछ अच्छा कर पाएंगे नहीं, समझ रहे हैं। अभी हमें ऐसा लगता है कि आप दोनों के दरमियान जो भी झगड़ा हुआ है उसका काफी गिल्ट है इन्हें, काफी गिल्ट है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा एटीट्यूड भी ज्यादा है, इन्हें ऐसा लगता है कि मैं क्यों जाऊं मनाने,
वो खुद आया मुझे बनाने। थोड़ा सा ऐसा बार बार आपको लगता है कि आप ही बार बार झुकेंगे क्या, कभी उसे भी झुकना चाहिए। तो यहाँ पर चीजें कुछ ऐसे ही अटकी हुई हैं। आप इनके कमिटमेंट का, इनके एक्शन लेने का वेट कर रहे हैं और ये है कि बस सोक मना रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ, मैं बहुत मजबूर हूँ। होता है ना, अगर इंसान चाहे तो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकता है और अगर ना चाहे तो उसके पास 50 बहाने हैं। हम इसे बहाना नहीं कहेंगे, लेकिन एक होता है ना कि अकल नहीं है इनके अंदर, समझ नहीं है कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। ये छोटी सी चीजों को, मान लीजिए कि ये रस्सी को सांप बनाकर डर गए हैं और कह रहे हैं कि नहीं ये सांप है, नहीं ये सांप है, नहीं ये सांप है, मुझे काट लेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं छू सकता, मैं इसे नहीं निकाल सकता, ऐसा। लेकिन अगर ये गौर से देखेंगे तो वो सांप नहीं, रस्सी है, और उस रस्सी को उठा के कभी भी बाहर फेंक देंगे और आराम से मस्त रहेंगे। लेकिन इन्होंने उस रस्सी को सांप मान ही लिया है और इस वजह से अपनी लाइफ में कुछ आगे कर नहीं रहे हैं। तो आपका कर्तव्य ये है कि आप सिर्फ अपनी हीलिंग करें और इनकी भी हीलिंग करें जितना आपसे हो सके, शायद कुछ अच्छा हो जाए। इधर स्ट्रांग साइन की बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कर्क वृश्चिक मीन राशि, मेष, सिंह धनु राशि। उसके बाद यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो इधर साइन और एलिमेंट्स बराबर हैं, लेकिन डियर इनकी नेगेटिविटी आपको क्लीन करनी होगी, तभी लाइफ में आप लोगों के कुछ अच्छा हो सकता है। ये अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, हिम्मत नहीं है समाज से लड़ने की, घर पे बात करने की, इसमें मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं मजबूर हूँ, नहीं कुछ कर सकती, नहीं कुछ कर सकता, रिलीजन इशू है, इंटरकास्ट इशू है, एज डिफरेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस है, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ये सारी चीजें। अगर इन सब चीजों से कभी ऊपर नहीं उठेंगे तो ये जन्म भी खराब हो जाएगा, आपका ये जन्म भी खराब हो जाएगा, है ना। और अगर एक्शन ले लेते हैं तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। एक्शन लेने का मतलब ये नहीं कि वो आपके साथ फिजिकल हो या फिर शादी ही हो, एक्शन लेने का मतलब ये होता है कि अपनी लाइफ को समझें, आप उनके काउंटर पार्ट हैं, इस बात को समझें और उस हिसाब से ये लाइफ में आगे बढ़ें, समझ रहे हैं, ये मतलब है हमारा। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे, आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम ओम साई राम।